नमस्कार दोस्तों पाथ पेंडर पर आप सभी का स्वागत है मेरे नाम निधि है सो so, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अबाउट में कजाकिस्तान में एक रेफरेंडम कराया गया जिसमें टू दिटन संविधान में संशोधन करने के लिए ये जो बदलाव किए जाएंगे इसके फेवर में वोट किया गया इस रेफरेंडम में

क्यों ये किया गया है और इससे जो नए प्रेसिडेंट हैं कासिम जुमत तो उनको क्या मदद मिलने वाली है इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स हैव अ लुक एट द लोकेशन ऑफ कजाकिस्तान कजाकिस्तान इज वन ऑफ फाइव सेंट्रल एशियन कंट्रीज सबसे बड़ी सेंट्रल एशियन कंट्री है कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उजबेकिस्तान ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान ठीक है ये फॉर्मर यूएसएसआर का हिस्सा भी रही है एक तरफ रशिया है एक तरफ चाइना है इसके और एक तरफ यूरोपियन यूरोप का हिस्सा है सो गेटिंग बिफोर गेटिंग इन टू दिटन चेंजेस लुक इट्स पोलिटिकल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री ऑफिशियली कजाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक लोकतंत्र सेक्युलर गणतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी रिपब्लिक है संविधानिक तौर से यूनिटरी केंद्रीय रिपब्लिक है गणतंत्र है ना वट इज अ यूनिटरी रिपब्लिक यूनिटरी इज वेन दर इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जैसे इंडिया की मैं बात करूं तो भैया क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर फेडरलिज्म इज फेडरलिज्मिवीजन ऑफ पावर जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन दी ऑर्गन ऑफ दी गवर्नमेंट है ना एट डिफरेंट लेवल हॉर्जोंटली एंड वर्टिकली बट इंडिया में क्या है थोड़ा सा बायसनेस है टुवर्स या झुकाव है टुवर्ड्स दी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो तो हम क्वाजी फेडरल है अर्धसंघय हैं लेकिन अगर हम कजाकिस्तान की बात करें तो ये कंप्लीटली यूनिटरी रिपब्लिक है यानी कि केंद्र के पास ही सारी पावर्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं है तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बदलने का प्रयास या बदल बदलने के लिए अमेंडमेंट किया गया है इन कॉन्स्टिट्यूशन नंबर वन दूसरी चीज नूर सुल्तान नजर बे लेट कंट्री फ्रॉम 1991 टू तो 2019 आई टोल्ड यू यूएसएसआर का हिस्सा रही है 1991 में इट बिकेम रिपब्लिक तब से लेके दो तक नजर बे ने कंट्री को लीड किया इनको सक्सीड किया कासिम जुमत जो कि प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है अब यहां पर सिस्टम कैसे चलता है राष्ट्रपति के पास अधिकार होते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है लेकिन इसको जो बोलते हैं बार बार इसको बोलते हैं सुपर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जिसको स्विच करना चाह रहे हैं शिफ्ट करना चाह रहे हैं टू प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट विद स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट ठीक है जैसे कि हमारे राष्ट्रपति हैं उनको भी वीटो का अधिकार है बिल्कुल जो भी पार्लियामेंट लेजिस्लेशन लाती है कमांडर इन चीफ भी होते हैं नाउ द क्वेश्चन कैन बी कि मैम यहाँ पर तो सेम है जैसे हमारे यहाँ होता है नहीं बिल्कुल नहीं सेम है क्योंकि यहां पर Uh, नजर बेजी ने संविधान में अपने संविधान में संशोधन कर 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 एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अपने आप को सुप्रीम पावर कर लिया उनके पास सारी की सारी पावर्स हैं मतलब जो प्रेसिडेंट है कंट्री का उसके पास सारी पावर है ही इज द मेन अथॉरिटी ही इज द मेन डिसीजन मेकर अदरवाइज ऑल्सो इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट हैज ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव राइट लेकिन ऐसा भी नहीं है ना द इलेक्टेड मेंबर्स दे डोंट हैव अ राइट उनके कोई अधिकारी नहीं होते यहां पर पूरा का पूरा कंट्रोल वॉर्ज विद द प्रेसिडेंट इन दिस पर्टिकुलर केस इनके ही रिश्तेदार सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशंस पर यही मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें भी इनका इन्फ्लुएंस एंड ऑल दीज थिंग जिसकी वजह से देर वॉज डिसकंटेंट इन द पीपल ऑफ द कंट्री लोगों को के अधिकार नहीं मिल रहे थे लोग डिसटिस्फाइड थे ठीक है चलिए तो ये अलग हुआ यहां पर दो दिनेट इज मोर पावरफुल ऑफकोर्स लोअर हाउस the जो इलेक्टेड बॉडी है उससे वो नॉमिनल है केवल एक्चुअल पावर्स प्रेसिडेंट के पास थी तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था अगर हम एक लाइन में इसको समझने की कोशिश करें कि संविधान में संशोधन जो किए गए हैं या रिफॉर्म जो किए जा रहे हैं वो उसके पीछे रीजन क्या है वो ये है दोस्तों कि प्रेसिडेंट की पावर को कर्व करने का प्रयास यहाँ पर तो करते हुए दिख रहे हैं जो खुद एक प्रेसिडेंट है ठीक है

इसमें भी बदलाव लाया गया है इसके बारे में बात करेंगे हुआ क्या 2019 के बाद 2020 में फ्रीडम हाउस जो कि एनजीओ है यूएस बेस्ड एनजीओ है उसने रेट किया कजाकिस्तान को एज कंसोलिडेटेड अथॉरिटेरियन रिजीम एक पूरी तरह से कंसोलिडेटेड है और अथॉरिटेरियन मतलब एक ही व्यक्ति के पास सारी अथॉरिटी है सुप्रीम पावर्स है ऐसा रिजीम जहां पर जनता के पास कोई अधिकार नहीं है इलेक्टेड मेंबर्स के पास कोई अधिकार नहीं है ठीक है

आप मेरी स्पेशल क्लास और प्लस से भी जुड़ सकते हैं लाइफ ये क्लासेस बिल्कुल फ्री होती हैं रोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड चाहिए uh, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कल होने वाला आपका कॉम्बैक सुबह ग्यारह बजे अभी जाइए एनरोल कीजिए इसमें एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है एंडी लाइफ टेन यहां मैं आपको बता दूं कि इस बार के पेपर में 30 परसेंट से ज्यादा क्वेश्चन लगभग 30 परसेंट क्वेश्चन जो थे वो कहीं ना कहीं हमारे कॉम्बैट क्वेश्चन से मिलते जुलते थे और जो रिवॉर्ड पूल है वो एक करोड़ रुपए का है इस बार यहाँ पर साथ ही तेईस यूपीएससी ट्वेंटी के जो टॉपर्स रहे हैं वो रेगुलर कॉम्बैट यूजर्स भी रहे हैं हमारे चलिए अब देखते हैं कि ये जो संशोधन की बात आई है ये कहाँ से आई हुआ क्या दो हजार जनवरी में एक रिवोल्ट एक रिबेल जैसा हुआ एक अनप्रेसिडेंटेड रिबेल हुआ किसके वजह से और बहुत ही डिसकंटेनमेंट था लोग खुश नहीं थे सरकार से लोगों के पास राइट्स नहीं थी ये सारे मुद्दे थे इस बैकग्राउंड में मार्च 2016 को खैर इसको कर्ब कर लिया गया ने इसको कर्ब किया इसके बारे में आगे भी हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है रशिया की मदद से डिलीवर किया, किया 16 मार्च 2022 को एक जॉइंट सेशन में पार्लियामेंट की इस पूरे मैसेज का जो मुख्य फोकस था वो ये था ट्रांसफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंसी टू स्ट्रॉन्ग पार्लियमेंट यहाँ पर जो मेन सेंटर था वो ये था कि उनकी पावर, दी पावर, दी पावर, हाँ पावर और उनकी जिम्मेदारियों को हमें बढ़ाना पड़ेगा ठीक एक्सक्यूज ठीक है इसके बाद कजाकिस्तान में वोटिंग हुई पांच जून को जिसने एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी दी इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के प्रपोजल को ठीक है कौन से कहां से आ रहे थे प्रपोजल किसमें आ रहे थे सोवियत चला रहा था संविधान उसमें यहां पर मैं आपको बता चुकी हूं कि नजर बे पहले ही रिजाइन कर चुके थे मार्च 2019 में विदाउट एनी गिवन स्टैटिक रीजंस अनएक्सपेक्टेड रीजंस की वजह से ठीक है 77 परसेंट लोगों ने वोट किया यहां पे इसके लिए 19 परसेंट लोग ऐसे थे जो इसके अगेंस्ट थे क्यों हुआ रेफरेंडम देखिए सबसे पहले तो इसके बारे में डिस्क्लोज कर दिया था प्रेसिडेंट तो एव ने और यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं दैट ही वाज वेरी वेरी क्लियर इन द फैक्ट ये बार बार इन्होंने अपने जो स्टेट ऑफ नेशन स्पीच थी इनकी एड्रेस था उसमें भी कहा सुपर प्रेसिडेंसी मॉडल से हमें शिफ्ट करना है प्रेसिडेंसी मॉडल प्रेसिडेंसी रिपब्लिक पर बेसिकली ठीक है अच्छा जो प्रोटेस्ट की मैं बात कर रही थी ये थी नजर बेस की गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो ना केवल प्राइस हाइक की वजह से थी फ्यूल प्राइस में जो प्राइस बढ़ रहे थे उसकी वजह से डिसकन्टेनमेंट था लेकिन इसके अलावा भी ओवरऑल जो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके थे या फिर जो इकोनॉमी की जो स्थिति थी याथॉरिटेट अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी ये सारे मुद्दे थे जिसकी वजह से प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ जिसका संज्ञान लेते हुए इस रेफरेंडम की बात की गई सो दैट टू ब्रिंग इन दी चेंजेस ठीक है इन छप्पन अमेंडमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये इंक्लूड की जाएगी कि 1995 में संविधान में इन्होंने अपने संविधान में संशोधन करके जो प्रेसिडेंट थे उनको सुप्रीम बना दिया था और फर्स्ट प्रेसिडेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्रा प्रिवलेजेस चली गई थी बहुत सारी प्रिवेजेस मतलब वो ने लीडर ऑफ द नेशन है और उनके पास और भी बहुत सारी प्रिवलेजेस हैं तो सबसे पहले इन अमेंडमेंट्स में से एक सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ये भी है इंक्लूड चेंजेस दैट विल स्ट्रिप नजरबे नेशनल लीडर स्टेटस मतलब इसको खारिज इसको खत्म कर दिया जाएगा जो उनको लाइफ टाइम प्रिवलेजेस दे रहा था तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज यहां पर जो किया जाएगा द अदर अमेंडमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन दंट्री अमंगस ऑर्गन सो जो भी अमेंडमेंट है जो भी एडिशन किए गए संविधान में वो इंटर रिलेटेड है और सबका एक ही गोल है टू क्रिएट अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर नंबर वन फाइनल ट्रांजेक्शन फ्रॉम सुपर प्रेसिडेंशियल मॉडल टू प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक जो मैंने आपको बताया सुपर प्रेसिडेंशियल मॉडल मैंने आपको बता दिया है ना इट इज बेसिकली है वो एक्सट्रीम है सुप्रीम पावर्स है उसके पास और बाकी जो ऑर्गन है वो सिर्फ नॉमिनल ऑर्गन है उनके पास ज्यादा पावर्स भी नहीं है ज्यादा से भी नहीं है एवरी थिंग इज डन एंड डिसाइडेड बाई द प्रेसिडेंट ओनली ठीक है चलिए नंबर टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पावर्स अभी नंबर ऑफ पावर्स अगर डिस्ट्रीब्यूटेड भी हैं तो वो सही तरीके से नहीं है सही प्रोपोर्शन में नहीं है उनको सही तरीके से लेजिस्लेटिव बॉडीज के में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ठीक है नंबर द रोल रोल एंड स्टेटस ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट के और उसके स्टेटस को स्ट्रेंथन करना उसको और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाना नंबर फोर इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन कंट्रीज गवर्नेंस अभी जनता का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है लोगों को इन्वॉल्व करना लोगों के इन्वॉल्वमेंट के साथ गवर्नमेंट चलाना ठीक है नंबर फाइव स्ट्रेंथनिंग द मैकेजम प्रोटेक्टिंग सिटीजन राइट जनता के अधिकारों का संरक्षण करना सुरक्षित करना इसके लिए मैकेजम्स को स्ट्रॉन्ग करना इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है वो है ट्रांजिशन ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी फ्रॉम सुपर प्रेसिडेंशियल जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट नजर के टाइम पर था टू अ प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक इसमें क्या क्या बदलाव किया जाएगा इसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि जो प्रेसिडेंट है वो ही विल भी प्रोहिबिटेड फ्रॉम हैविंग एन एफिलियन विद एनी पोलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग ये प्रॉब्लम थी नज़र में एक कार्यकाल में ये समस्या थी कि पोलिटिकल पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट होना अपने रिलेटिव को इन्वॉल्व करना उनको पोजिशंस पर लाना उनके डिसीजन्स को बेसिकली चेंज करना ऑल दोस थिंग्स बे ये प्रॉब्लमैटिक था तो यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जो किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि भाई किसी भी तरह से जो प्रेसिडेंट होगा उनको प्रोहिबिट किया जाएगा किसी भी एफिलियशन से विद एनी पॉलिटिकल पार्टी जब तक उनका टेन्योर चल रहा है तब तक और ये केवल प्रेसिडेंट के लिए नहीं होगा ये बाकी जो डिग्नेटरीज हैं जजेस हैं कोर्ट्स के बाकी प्रेसिडेंट्स हैं चेयरपर्सन हैं मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के या फिर सुप्रीम ऑडिट चैम्बर के जो मेंबर्स हैं हेड्स हैं उन सबको भी ये फॉलो करना पड़ेगा दे शुड नॉट हैव अ डायरेक्ट अफिलियशन या एफिलियन विद एनी पॉलिटिकल पार्टी ठीक है सेपरेट करने की बात यहाँ पर की गई है साथ ही जो अपर चैंबर चैंबर है कजाक पार्लियामेंट का द सेनेट उसमें पंद्रह डेप्यूटीज को जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था उनको अपॉइंट करते थे प्रेसिडेंट उसको रिड्यूस कर दिया गया है दस डेप्यूटीज में और इनमें पांच जो होंगे उनको प्रपोज करेगी असेंबली ऑफ पीपल ऑफ कजाकिस्तान असेंबली में कौन होते हैं असेंबली एक तरह से कं, कंसल्टेटिव एडवाइजरी बॉडी है जिसमें जो भी एथनिक ग्रुप्स हैं देश के उनका रिप्रेजेंटेशन है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं एक तरह से हम काफी हद तक ठीक है ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री इसके अलावा जुडिशरी में भी कुछ चेंजेस की बात की गई है जुडिशरी में सबसे महत्वपूर्ण चेंज है द री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट 1995 के संशोधन के समय जब मैंने आपको बताया 1995 में कुछ बदलाव लाए गए इस समय 1995 में इनको खत्म कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को इनको री करने की बात की गई है दिस विल

से कंसल्ट करके ठीक है तो इस तरह से ग्यारह सदस्यों को यहाँ पे चुना जाएगा ठीक है कंसल्ट कंस, में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने की की बात गई उनको दोबारा से वही पावर देने की बात यहाँ पर की जा रही है इसी के साथ साथ जो अमेंडमेंट्स हैं वो और ज्यादा फोकस करेंगे पार्लियामेंट की पावर को बढ़ाने से बढ़ाने के लिए उनको स्ट्रेंडन करने के लिए इंस्टेड ऑफ द प्रेसिडेंट साथ में प्रेसिडेंट तो ने यह भी क्लियर किया कि भाई हायर टैक्सेस लगेंगे उन सभी इंडस्ट्रीज पे जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज है मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके अपना काम चलाती है जो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज है उन पर टैक्सेस लगेंगे और हाई इनकम इंडिविजुअल जो है उनको भी भारी टैक्सेस देने होंगे तो टैक्स सिस्टम में चेंज करने की बात हो गई है इसके अलावा जो प्रपोज चेंजेस थे मतलब जो अब आ गए हैं एक्चुअली ये पास हो गया है फाइनली और ये मतलब अब ये स्थापित हो गया है वहां पर दे विल On like the death penalty. Death penalty को प्रोहिबिट करने के लिए मॉडिफिकेशन चाहिए right अगर उनको कोई भी लीगल है, उसको रिव्यू करवाना है कोई भी लीगल एक्ट आया है उसको रिव्यू कराने के लिए लोग डायरेक्टली जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के पास ठीक है उसके रिव्यू के लिए तो थोड़ी लोगों के पास भी पावर आ गई

ये भी इससे रूल ऑफ लॉ को भी एक तरह से होगी होगा होगा है ना Over the observance of rule of law, पूरे देश में स्टेट के बिहाफ पर ठीक है इसके साथ साथ जो भी amendments आएंगे in, the laws, जो भी लॉ में अमेंडमेंट किए जाएंगे वो बेसिकली ऑफ द न्यू कजाकिस्तान इंपॉर्टेंट ये एक्चुअली उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी कहा कि नया कजाकिस्तान बनाना चाहते हैं हम प्रोमिज टू स्ट्रेंथन एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ दिटिजन वो कह रहे हैं कि अब हम मतलब इनके द्वारा जो लोग हैं जनता है उनके जो राइट्स हैं जो उनके अधिकार हैं उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा उनको प्रोटेक्ट करने का पूरा यहाँ पर प्रॉमिस किया गया है जो अभी तक पिछले तीस साल के रूल में अंडर नज़र में ये नहीं मिल रहे थे जो क्वेश्चन में थे तो ये काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक या रिस्पॉन्स हम कह सकते हैं अगली चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो है कि ये अमेंडमेंट्स तोकर को कैसे हेल्प करेंगे देखिए दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये है कि बहुत टाइम से तोकाएव अपने प्रीडेसेसर नज़रबे के जो शैडो है एक तरह से ही माना जा रहा था जब नज़रबे ने रिजाइन किया और इनको रिप्लेस किया तोका तो ने तो ऐसा माना जा रहा था कि उनके ही उत्तराधिकारी हैं तो एक तरह से उस शैडो में रह रहे थे तो जब ये इस तरह का कुछ रेफरेंडम में पॉजिटिव चेंज आता है और वो पूरी की पूरी जो Uh, thaw, पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट है उसको बदलने का प्रयास करते हैं तो एक्चुअली ही इज विलिंग बदलाव आएगा उनके रोल में एंड ही ही बी वुड लुक्ड एज अ रिफॉर्मर रिफॉर्मर्स की तरह देखा जाएगा उनको पॉजिटिव उनको देखा जाएगा एक तरह से नंबर वन नंबर टू ये डोमेस्टिक जो सपोर्ट उनको मिला है विद रेफरेंडम इससे ये जो डिप्लोमा इनका नाइन ईयर्स ओल्ड एंड uh, ये डिप्लोमैट भी रहे हैं मतलब ये सेनेट का मेंबर में भी थे और यूएन में भी रहे हैं इनको एक तरह से यूक्रेन क्राइसिस से नेविगेट करने का रास्ता मिल जाएगा मतलब वहां से वो आराम से निकल जाएंगे क्योंकि उनके पास जनमत है जनता का सपोर्ट है पीपल बिलीव इन हिम ठीक है जिसकी वजह से उनकी जो इकॉनॉमी है कजाकिस्तान की जो इकॉनॉमी है वो डिस्टेबलाइज हुई है एंड वोट इट इन डिफिकल्ट जियोपोलिटिकल पोजिशन बिटवीन रशिया एंड वेस्ट रशिया और वेस्ट के बीच में मतलब अभी तक भी कजाकिस्तान अगर मैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस की बात करूं तो कजाकिस्तान एंड दैलेंस अप्रोच कजाकिस्तान ने यहाँ पर अपनाई है ठीक है तो कहले क्रिट को क्रिटिसिजम भी दिया गया था जो मैंने आपको शुरुआत में एक प्रोटेस्ट की बात की थी ना जनवरी में जो प्रोटेस्ट हुआ था मैंने उसकी बात की थी उस प्रोटेस्ट में एक्चुअली हुआ ये था कि प्रोटेस्ट हुआ तो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे वो अंड्रेस कंट्रोल नहीं हो रहा था तो ऐसे में तो आस्ट फॉर रशियन लेड सिक्योरिटी एजेंसीज टू कम एंड हेल्प कर्ब दी अनरेस्ट जिसको उन्होंने कर भी लिया था जिसके बाद इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था ये कहते हुए कि भाई आपने क्योंकि रशिया की मदद ली है अपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी uh, के लिए अपने आप को क्लियरली लीडर स्टेब्लिश करने के लिए तो आपके ऊपर तो रशिया का डेट आ गया तो आप तो रशिया को सपोर्ट करोगे तो दैट वाज अ क्वेश्चन मार्क वन इन दैट वाज अ क्रिटिसिज्म दैट ही वाज फेसिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम ठीक है तो क्योंकि यूक्रेन से पहले ये हुआ था इस रेफरेंडम से कजाकिस्तान कम से कम अभी फिलहाल मॉस्को से डिस्टेंस हो गया उसका एंड इट हैज मूव टूवर्ड दी

ये अप्रोच uh, जो है या तो का ये एक रेफरेंडम क्लियर होना इट शोज दैट पीपल हैज फेथ इन हिम लोगों को जनता को भरोसा है तो ही माइट बी एबल टू टेक क्लियर डिसीजन नाउ जो अभी तक ही वेरी कॉशियसली प्रेजेंट हैज बीन वेरी कॉशियस इन कमेंटिंग ऑन द क्राइसिस रशिया यूक्रेन क्राइसिस पे ऑलरेडी वो बहुत ही कॉशियसली कॉमेंट कर रहे हैं अर्जिंग ऑल साइड्स टू एक्ट इन लाइन विद द यूनाइटेड नेशन चार्टर खुद भी वो यूएन के चार्टर के अकॉर्डिंग मतलब एकदम रिएक्ट करते हैं बातें करते हैं और बाकियों को भी अजरबैजान हो बेलारूस हो इस तरह के जो भी अलाइज हैं उन सबसे इनकी यही बात है कि भाई जैसा यूएन चाहता है यूएन के चार्टर के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए तो एक न्यूट्रल स्टैंड हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रहा है और जब जनता का समर्थन जनता का सपोर्ट मिलता है ना तो उसके बाद थोड़ी पावर या ऐसी चीजों को फेस करने की शक्ति मिल जाती है जो शायद को फिलहाल मिल गई है आफ्टर दिस रेफरेंडम

बैचेस हमारे आठ जून और पंद्रह जून से शुरू हो रहे हैं विद एजुकेट एन अकेडमी सभी दिग्गज पढ़ाएंगे आपको साथ ही ऑप्शन कार्निवाल भी लॉन्च हो चुका है पाँच जून से जहां पे आठ टॉप ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी बायलिंग में पढ़ाए जा रहे हैं एनरोल कीजिए अभी दैट्स इट फ्रॉम माय साइड आई होप थोड़ा बहुत क्लैरिटी आपको कजाकिस्तान के इसमेंट्स को लेकर या स्टेप को लेकर आई होगी फॉर इफ़र सेशन अगर कुछ समझ मतलब समझ में आया है पसंद आया है तो डोंट फर्गेट टू राइट एंडी लाइव इन दमेंट सेक्शन दोस्तों और सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें थैंक यू सो मच दैट्स इट फ्रॉम माय साइड